एक बार पुनः सभी को सम्मानित मंच और उपस्थित सभी कविगणों को सादर प्रणाम। मैं अपनी रचनाएं किसी ना किसी ज्वलंत विषय या सामाजिक मुद्दे पर ही लिखती हूँ, तो आज फिर से मैं एक मुद्दा लेकर आई हूँ। और एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर हम आए दिन खबरें सुनते हैं अखबारों में, आस पड़ोस में, लेकिन सुनी और उड़ गई, ना उसके बारे में कभी चिंतन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर उस मुद्दे पर मुझे कविता बोलनी चाहिए, और वो मुद्दा है घरेलू हिंसा। तो ये जो रचना है ये एक सत्य कहानी है, और जब मुझे ये बताई उन्होंने और कि कितने सालों तक उन्होंने घरेलू हिंसा सही, और एक दिन न जाने कैसे मन में एक ख्याल आया कि बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ, बहुत हुआ तेरा चिल्लाना मेरा डरकर सहम जाना, बस अब बहुत हुआ तेरा हाथ उठाना और मेरा दर्द से करहाना, बस अब बहुत हुआ तेरा बाप बाप पर राक्षस बन जाना और मेरा अपमान के घूंट पीते चले जाना, बस बहुत हुआ। ए मानव रूपी दानव तू ध्यान से सुन। और वो अब उसे क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है कि मैं नहीं तू है कमजोर, जो अपनी खामियां छिपाने के लिए चलाता है मुझ पर जोर। मैं नहीं तू है लाचार, अपनी आदतों के आगे जो मान लेता है हार। मैं नहीं अबला तू है डरपोक, जो मेरी हर बात पर लगाता है रोक टोक। पर अब बहुत हुआ मेरी भावनाओं के साथ खेलना, एक मरे हुए रिश्ते को इस हद तक झेलना। सुन, ध्यान से सुन, ए मानव रूपी हैवान, अपना मैं रुकूंगी चाहे आवी जाए भगवान। तू जो चिल्लाया तो अब मैं भी चिल्लाऊंगी, आत्मरक्षा के लिए अब मैं भी दुर्गा बन जाऊंगी। जमाने से डरे बिना तोड़ के यह पिंजरा, एक आजाद पंछी की तरह अब मैं उड़ जाऊंगी। भले ही रूखी सूखी रोटी मिले, भले ही रूखी सूखी रोटी मिले, आत्मसम्मान से तो जी पाऊंगी, बस अब बहुत हुआ।